अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये काफ़ी लंबी जर्नी है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि मेरे चैनल पर भी ये वाली वीडियो होनी चाहिए जो कि आप लोग देखेंगे और काफ़ी इन्जॉय करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम निकल गए थे घर से और अयाना के चाचू हमें स्टेशन छोड़ने के लिए आए थे। तो देखिए, अयाना आराम से इन्जॉय कर रही हैं फ्रंट सीट पर बैठ कर अपने चाचू के साथ में। तो अभी हम स्टेशन पहुंच जाएंगे कुछ टाइम में। हमारे घर से स्टेशन का रास्ता लगभग आधे घंटे का है, तो हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। फाइनली हम स्टेशन पहुंच चुके हैं और उसके बाद हम जाएंगे प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि अभी हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं। पार्किंग हमें मिल जाएगी, फिर हम जाएंगे अपनी ट्रेन के पास, क्योंकि हमारी ट्रेन आ चुकी थी और वहां पर फुफ्फी और हमारे फुफ्फा दोनों वेट कर रहे थे। स्टेशन से हमारी ट्रेन निकल चुकी थी और हमारी फुफ्फी और फुफ्फा दोनों भी जा चुके थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था, उन्हें भी पहुंचना था घर। बच्चे वहां पर अकेले थे और वो लेकर आए थे हमारे लिए बिरयानी, अयाना के लिए चिप्स और बहुत सारा सामान लेकर आए हुए थे खाने पीने का, ताकि हमें रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो लेकर आए थे। और हमें बहुत ही मज़ा आया और काफ़ी अच्छी जर्नी रही हमारी। तो हम ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं, हम जा रहे थे लखनऊ अम्मी के यहाँ। लखनऊ से भी 3 घंटे का रास्ता है हमारे मायके का। 2 साल के बाद मैं जा रही हूँ, तो लगभग 2 साल के ऊपर तक हो गया था मुझे, तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलिए प्लान करते हैं, जाते हैं। और मेरे बड़े भाई भी आए हुए थे, वो बहरीन में रहते थे, वहाँ से वो आए थे छुट्टी पर, तो उन्होंने कहा कि आ जाओ, मुलाकात हो जाएगी यहीं पर। और आयत को हमने छोड़ दिया था क्योंकि आयत के टेस्ट स्टार्ट होने वाले थे। हम दादी आयत की और अन्नू और मैं, हम इतने लोग ही जा रहे हैं, 3 लोग। तो कोई नहीं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आयत फिर चली जाएगी, उसकी नानी आती जाती रहती हैं मुंबई, तो कोई बात नहीं है। कितने हैं?
तो जी हमारे साथ कल्याण से ही एक बहुत ही अच्छी फैमिली साथ थी हमारे, बहुत ही अच्छे थे वो लोग और हम पूरा साथ रहे लखनऊ तक, हम पूरा साथ रहे। उनको दूसरी जगह उतरना था और फिर रात हम सो गए खाना वाना खाकर। फिर उसके बाद हम पहुँचे कानपुर। कानपुर में 15 मिनट या 10 मिनट तक रुकती है ट्रेन, फिर उसके बाद में वहाँ से हम निकल लिए। फिर बहुत ही प्यारे प्यारे व्यू आएंगे, आप इंजॉय करें मेरी वीडियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं लखनऊ। और यहाँ पर अन्नू देखिए अपनी दादी का हाथ नहीं पकड़ रही हैं क्योंकि मैंने बैग पकड़ा हुआ था और कुली तो कर लिया था पर प्लेटफॉर्म पे रश ज़्यादा हो रहा था, तो आयत की दादी कुली के साथ साथ ही जा रही थी और अयाना ने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। और फिर उसके बाद हम जाएंगे प्लेटफॉर्म से, जब बाहर निकलेंगे तो हमारी कैब वहीं पर ही है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें क्योंकि वहाँ पर पार्किंग वगैरह मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। और जो जो ड्राइवर अंकल थे वो थोड़ा लेट हो गए थे आने में। अन्नू कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? नानी क्या जा रही हो? हाँ बैग दिखाओ अपना, कैसा है अन्नू का बैग? वाह स्ट्रॉबेरी है। तो जी ये है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा लखनऊ चारबाग स्टेशन। हमारी बचपन की यादें यहाँ से बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। कैब हमारी आ चुकी है, हमने सारा सामान उसमें रख दिया है, अब हम यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। तो जी लखनऊ से हम निकल गए थे घर के लिए और वहाँ हम लोग पहुँच गए थे 2.5 घंटे में, अंकल ने हम लोगों को पहुँचा दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। घर पहुँचने के बाद मैं फटाफट फ्रेश हुई, उसके बाद हमने कपड़े निकाले अपने और रेडी हो गए शादी में जाने के लिए। मेरे चाचू के बेटे की शादी थी तो हाँ मैं भी इन्वाइटेड थी, तो मुझे बहुत मज़ा आया। काफ़ी टाइम बाद मैं अपने जितने भी मेरे ख़ानदान वाले थे, जितने भी मेरे घर वाले थे, सबसे मिली थी जो बचपन से हम लोगों ने उनको देखा है, तो अभी मुझे बहुत मज़ा आया। और ये मेरी दोनों भतीजियां हैं, ये छोटी वाली है और ये वाइट ड्रेस वाली बड़ी वाली है, तो माशाल्लाह काफ़ी लंबी हो गई हैं। ये दोनों मेरे बड़े भाई की बेटियाँ हैं और छोटा जो भाई है उसकी एक ही बेटी है, वो छोटी है 1 साल की है।
माशाल्लाह हम दो भाई दो बहन हैं, मेरी एक बड़ी बहन भी हैं, उनके दो बेटे हैं। खाना खाया फिर हम निकलने लगे घर के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और हमारे साथ पूरा हमारा परिवार था। फिर नेक्स्ट डे हमारा प्लान बना बाटी चौका खाने के लिए, तो भाई और भाभियाँ थीं, मेरी भतीजियाँ थीं, हम लोग सब एक रिक्शा किए, रिक्शे में हम लोग निकल गए बाटी चौका खाने के लिए। हमारे घर से वो 15 से 20 मिनट का रास्ता था, जहाँ जाना था वो थोड़ा आउट एरिया में पड़ता है, और वो जो एरिया है ना वो इतना मज़ेदार है, देखने में व्यू इतना अच्छा था, बहुत ही सुकून वाला है। और ये मेरी छोटी भाभी है और सामने जो दूसरी वाली है वो बड़ी भाभी है। फाइनली हम पहुंच चुके थे और लगभग हमें लग गया 20 मिनट लगे थे, और फिर हम वहां पर बैठे काफ़ी टाइम तक हमने वेट किया। फिर हमारा खाना आ चुका था, यानी कि बाटी चौखा, और हम लोगों ने ना दिन में खाना नहीं खाया था, क्योंकि जब इसे खाओ ना तो पेट वैसे ही फुल हो जाता है, इसके लिए हम लोग एकदम भूखे थे बिल्कुल शेर के जैसा। उसके बाद हम जो टूटे हैं बाटी चौखा पर तो मज़ा ही आ गया। बाटी चौका किस किस को पसंद है और इसके बारे में किस किस को मालूम है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। दुआ में ज़रूर याद रखें।